हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल का हलवा, जो व्रत में खाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने लिए हैं आधी कटोरी समा के चावल, जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो आधी कटोरी हमारे समा के चावल है, ये देखिए, अच्छे से धो के हमने भिगो दिए थे। तो आधी कटोरी हमने ली है चीनी। अगर आप इसे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और हलवा में ऐड करने के लिए हमने ये वाली 3 कटोरी हमने पानी लिया है, जो हम इसमें पानी हमारा समा के चावल में ज़्यादा लगता है, तो मैंने 3 कटोरी पानी लिया है। इलायची पाउडर है और ये हमारा 2 से 3 चम्मच घी है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, गैस ऑन कर दिए। हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, तो आप नॉन स्टिक पैन हो तो आप इसे ही जरूर लें, क्योंकि इसमें हलवा चिपकता नहीं है और एकदम खिला खिला हलवा बनता है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और ये अपने चावल इसमें डालेंगे। मैं इसे हलवे को थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल सुनहरा होने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह इसे हमें अच्छा सा धीरे धीरे से स्लो फ्लेम पे, फ्लेम को हमें पूरे हलवा की, जब तक हमारा हलवा बन के रेडी नहीं होता, हमें फ्लेम को हाई नहीं करना, इसे स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से धीरे धीरे से चला चला के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमें भूनना है। तो इसे लगातार इस तरह से चलाते रहें और इसे भूनते रहें, जब तक हमारा ये सुनहरा ना हो जाए। इस तरह से हम इसे भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मिनट इसे अच्छे स्लो फ्लेम पे इस तरह से चला चला के इसे अच्छे से भूना है। तो ये देखिए, अच्छा इसमें कलर आ गया है, चावल हमारे अच्छे से भुन चुके हैं घी में। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने पानी लिया है, इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। तो बस इसे अच्छे से लगातार इस तरह से चलाते हुए, और अभी हम इसे स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से इसे पकाएंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए और खिला खिला हमारा ये हलवा बने। समा के चावल का हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनता है, क्योंकि इसमें घी की मात्रा बहुत कम होती है। तो हमें इसे अच्छे से बस स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से चला चला के पकाना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे, उसके बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, पानी सारा हमारा इसका सोख चुका है। अब हम इसे चावल को थोड़ा सा चेक करेंगे कि हमारे चावल फूले हैं या नहीं, क्योंकि हमें एकदम सॉफ्ट हलवा चाहिए। ये देखिए, चावल बिल्कुल इस तरह से दबा के मैश हो रहे हैं, चावल बिल्कुल फूट रहे हैं। तो ये रेडी है, हमने बीच में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और अब इसमें से थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये आधी चम्मच, इसमें हम घी ऐड करेंगे, तो इससे और बढ़िया है, इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो बस इसे हम इस तरह से चला देंगे मिक्स करके, और इसे थोड़ी देर हम इसे इस तरह ही स्लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे, क्योंकि हमने घी ऐड किया है। तो इससे घी में अच्छे से और इलायची का फ्लेवर हमारे अच्छे सारे दानों में, हलवा अच्छे से टेस्ट में टेस्ट चेंज हो जाए हमारे हलवे का। इस तरह से हम इसे थोड़ी देर, 2 सेकंड इसे हम और पकाएंगे इस तरह से ढक के। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बन के रेडी है। बस अब इसमें इसने हलवे ने हमारे ने घी छोड़ दिया है, ये देखिए। तो बहुत कम घी में, मात्र 2 चम्मच घी में हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल खिला खिला हलवा हमारा बना हुआ है, ये देखिए। तो इसे जी भर के आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी।
और बहुत ही हेल्दी हलवा ही हमारा व्रत का हलवा बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और इसे गैस को कर देते हैं बंद और इसे 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से ढक के थोड़ी देर बंद रहने देंगे, फिर इसे सर्विंग बाउल में निकाल के रेडी करेंगे। तो गैस को करेंगे बंद और इसे ढक देते हैं। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल बन के रेडी है। हमने 2 मिनट इसे बंद करके प्लेट से ढक के थोड़ा सा रेस्ट रखा था, तो उसके बाद ये हलवा बिल्कुल खिला खिला और अच्छा टेस्टी हलवा बन के रेडी हुआ है। आप इसे व्रत में ज़रूर बनाएं। ये देखिए बिल्कुल दानेदार खिला खिला हलवा रेडी है और मात्र 2 चम्मच में। कोई कहेगा कि ये 2 चम्मच में हलवा बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरी ये समा के चावल के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।